अरे बेगम साहिबा, खामोश बैठी हुई है, क्या हुआ? साहिरा ने पहले दिन ही किचन संभाल लिया। अरे वाह, आते ही किचन संभाल लिया तो बहुत अच्छी बात है। आपको नहीं पता, ये जो लड़कियां पहले ही दिन आके किचन पे कब्जा कर लेती है ना, ये बहुत मीसनी होती है। ये किचन के जरिए पूरे घर पर काबिज हो जाती है। अरे अगर अपना घर समझकर काबिज होना चाहती हैं तो इसमें बुराई क्या है? बुराई तो नहीं है, मगर छोटे घरों से आने वाली लड़कियों की यही प्रॉब्लम होती है कि वो घर पर राज करना चाहती हैं। भाई अभी तो शादी हुई है, अभी वलीद का सोचे, उसका ख्याल रखे, किचन संभालने के लिए सारी उम्र पड़ी है। हाय हाय हाय, वैसे हजरा बेगम आप भी कमाल है, इतनी सुगढ़ आपको बहू मिली है और आप उसमें कीड़े निकाल रही। मैं बुराई नहीं कर रही, मगर पता नहीं क्यों मेरा दिल बहुत बेसुकून हो रहा है। जैसे कि हमारी बहू एक कपड़े सीने वाली और खाना पकाने वाली की बेटी है, भाभी शादी का रिसेप्शन भी करना है, अजीज़ो कारिब आएंगे, रिश्तेदार आएंगे, मैं अपने अपनी समधन को कैसे मुतारफ कराऊंगी? मिसेस कदीर और उनके अलावा बहुत सारी खवातीन सकीना की हकीकत जानती हैं, मैं क्या कहूंगी कि ये मेरी समधन है और आपकी दर्जन? वाकई हाजर बेगम, टेंशन वाली बात है। सुने, इसका कोई ना कोई हल ढूंढते हैं। पहले खाना खा लें, नाश्ता करना है यार। हर वक्त मजाक का नहीं होता। अरे आए ना, आप क्यों अपना मूड खराब कर रही हैं? बहू ने सब कुछ संभाल लिया, अच्छा यही वाली बहू तो जाती थी। आप चले आए, उठे, आए ना, आए आए, नाश्ता करते हैं, उठे। आओ जी बेटा, ये देखिए जी कौन आया। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम आंटी, ये अम्मी ने नाश्ता भेजा। अरे इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? नहीं आंटी, तकल्लुफ कैसा, ये तो रस्म होती है ना। हाँ बेटा होती तो है, मगर अब कौन फॉलो करता है? सकीना ने खामखा तकल्लुफ किया है। अच्छा चलो बैठो ना, प्लीज बैठ करें। और सुरैया दो प्लेटें और ले आओ, और ये नाश्तेदार ले जाओ, इसमें से चीज़ें निकाल के बोल्स में ले आना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे इस्मत भाई, बलवीर कैसे हैं? इस्मत भाई क्या हाल? बिल्कुल ठीक, आप बताओ। अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम वालेकुम तहमीना। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। Let me, please. माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही हो सायरा। अच्छा सायरा बेटा, जब हशमत और तहमीना जाएंगे तो तुम भी इनके साथ चली जाना अपनी अम्मी के पास, शाम को वली तुम्हें ले लेगा, ये भी एक रस्म होती है। नहीं 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 आंटी, अम्मी कह रही थी सायरा का जब दिल करे आ जाए, ऐसा कोई मसला नहीं। मामा मैं वलीद वैसे भी बाहर जा रहे हैं, बहुत सी शॉपिंग करनी है मुझे, जब टाइम मिलेगा चली जाऊंगी। मामा एक्चुअली मैं सोच रहा था कि सायरा को आज अपने सारे स्टोर्स का विजिट करवा दूँ। चलिए अंकल, हमें इजाज़त दीजिए। अब ऐसे कैसे, अभी तो तहमीना को मुझे सारा घर दिखाना है। हमारी बहू बिल्कुल सही बात कर रही है, अब पहले नाश्ता करेंगे उसके बाद अब कर देंगे, और मैंने अपनी लाइब्रेरी आपको जरूर दिखा दी। लाइब्रेरी? इस सब कोई लाइब्रेरी दिखाते हैं अपने। क्या हो गया भाई, बच्चा है, किताबें पढ़ेगा, अच्छा लगता है। नाश्ता करेंगे, नाश्ता करें।